पसीना पसीना हो गया दोस्तों पूरा, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना अभी। ये एंट्री जो है कमाल की है, कमाल की है। बोल्डर आर्च, अरे यार दोनों पत्थर मतलब बस रुका हुआ। बहुत ही ज्यादा एडवेंचर इसमें, थक गए पूरा, अभी बहुत ऊपर जाना है। यहाँ बैठने बैठने के लिए पैसा दो यार, चढ़ाई बहुत खड़ी है भाई। अभी अभी वैष्णो देवी से आया था, वापस वैष्णो देवी की याद आ गई। थोड़ा तो ऊपर चढ़े, वो बात भी है, बात लग गया राघव। हाँ ऊपर चढ़, कैसा फट गई, चटा जम्बो कैसे, बहुत ज्यादा थकावट है, हालत खराब हो गया। हाँ थोड़ा बैठो, गाइस काफी ज्यादा थकावट हो गई है, अभी हम लोगों को बहुत सीढ़ी चढ़ना है। चलिए चलें धीरे धीरे, यार लिफ्ट लगा देना चाहिए इन लोग को। Oh my god guys, बहुत ही सुंदर नज़ारा, लेकिन भैया गर्मी भी बहुत ज़्यादा। ये देखिए क्या कर रहा है, लोग बोलते हैं कि अलग अलग जगह का लोग अलग अलग टाइप का होता है, लोग सब बोलता है कि इंडिया का लोग सब ऐसा। सिर्फ फॉरनर्स यहाँ पे भरे पड़े, और ऊपर पहाड़ पे जाना है, बहुत ज़्यादा थकावट अभी लग रही है। ये देखिए वो अभिषेक, हाय बोलो, गाइस हमारे बैक साइड में पूरा जंगल ही जंगल चारों तरफ, और ये
देख रहे हैं पूरा जंगल। अभी हम लोगों को इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना है ऊपर पूरा। अभी 1200 सीढ़ियाँ हैं जिसमें से कि हम लोगों ने मुश्किल से 100 सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी और थक के हालत का भी है। देखिए पसीना कितना ज़्यादा आ रहा है। एक्चुअली यहाँ का टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा है ना, 30+ ही है, इसलिए ये सब हो रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा गर्मी। चलिए चलते हैं। अभी ऊपर तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ऊपर ऊपर चले ऊपर की ओर। यहाँ पे गाइस थोड़ा डरने वाला है। ये पता नहीं, ये टॉयलेट वगैरह होगा कुछ। सो गाइस ये देखिए नीचे हमारे क्या है। ये दोनों तो ऊपर से चल गए, हम लोग यहाँ नीचे से जा रहे हैं। वहाँ पे लेक वगैरह ऊपर से और सुंदर नज़ारा दिखेगा। सो चलिए इससे चढ़े, इधर से भी रास्ता था। डर लग रहा है दोस्तों थोड़ा बहुत। यहाँ पे छेद स्टैंप वगैरह लगा है। ये हम लोगों का टिकट था और अब ऊपर चढ़ते हैं। नो फोटोग्राफी एंड वीडियो। सो गाइज यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियो अलाउड नहीं है, तो इसे यहीं पे बंद करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखिए ये हम लोग इस ग्रिल वाले रास्ते से ऊपर तो आ गए थे, बट अब नीचे भी जाना है चूँकि रास्ता कहीं और से। डर से तो हालत ख़राब है जो बात है, फैक्ट। गाइज मैं भी कांप रहा हूँ और ये राघव तो इसका तो और ज़्यादा हालत ख़राब है। ये तो मुझसे भी ज़्यादा फट्टू है। बोल कौन रहा है दोस्तों? देखिए बोला है राघव, कुछ बोला है। चलिए 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 चल रहे हैं, पहुंच गए आप जमीन पे। आप टेंशन जमीन पे तो नहीं पहुंचे हैं, किला में, मतलब वही किला के रास्ते में। ये गाइस मिरर वॉल है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ जो इस साइड धूप पड़ता है, इस साइड इन सब दीवालों पे रात में, वही का रिफ्लेक्शन इस पे आता है। ये मिरर वॉल है। अच्छा फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है, बट ये मिरर वॉल को टच नहीं कर सकते हैं, ये वाला है इस साइड से। सो ये पहाड़ है और इधर से हम लोगों को इधर जाना है विदाउट टच करते हुए। सो ये काफ़ी पुराने ज़माने का है, पहाड़ों को आप लोग देख सकते हैं एकदम, मतलब कटिंग करके ये रास्ता उस टाइम का बना हुआ है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये जितने भी नीचे पत्थर सब कुछ है, ये मिरर वॉल को टच नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे ये बेरिंग लगाया हुआ है कि कोई जा ना सके। बाकी अभी तो बहुत ऊपर जाना है। ये सब उस टाइम के राजा का बनाया हुआ है, जो भी यहाँ के राजा थे। यहाँ पानी निकालने के लिए उन्होंने नाला भी दिया था, देख सकते हैं। बरसात के मौसम में पानी आता है राघव, सिली बातें मत किया करो। सो गाइस एक मस्त, ये मैन मेड ही है बट वो राजा का बनाया हुआ।